आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बुलेट है जो कि इनिशियल स्पीड 150 मीटर पर सेकंड से किसी एक वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करती है। वुडन ब्लॉक या वुडन प्लैंक बोल दिया है यहाँ पे। आफ्टर डेट क्या होता है कि वो वुडन ब्लॉक पे या वुडन प्लैंक पे तो कुछ ट्रेवल करती है, देन उसकी स्पीड डिक्रीज होके 125 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और ओबियस सी बात है, स्पीड डिक्रीज भी होनी चाहिए क्योंकि उसकी वहाँ पे वुडन ब्लॉक के अंगेंस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अपनी वेलोसिटी कहाँ पे वुडन ब्लॉक के अंगेंस्ट वर्क में लॉस्ट करेगी। फिर क्या बोला है कि अनादर केस लिया गया है, सेम मास और सेम साइज की एक दूसरी बुलेट ली गई है और उसको इनिशियल स्पीड 90 मीटर पर सेकंड से प्लैंक पे स्ट्राइक कराया जाता है। तो पूछा है कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी जब वो वुडन प्लैंक से पास होगी। तो क्या कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दोस्तों और कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए सीखते हैं। तो कंसेप्ट बस इतना है कि कोई बुलेट है, सपोज दिस इज योर बुलेट एंड दिस इज योर वुडन प्लैंक। ये आपका क्या हो गया, वुडन प्लैंक हो गया जहां से बुलेट पास हो रही होगी। तो जब ये यहाँ पे स्ट्राइक की तो इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, मैंने इसको V1 नाम दे दिया, और आफ्टर पासिंग थ्रू इट इसकी स्पीड को क्या बोल दिया, V2 बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस वुडन ब्लॉक की थिकनेस को D मान लूँ तो इसके अंगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, बुलेट को वर्क करना पड़ेगा। और बुलेट का जो वर्क है वो कहाँ पे जाएगा, अगेंस्ट द वर्क डन बाई वुडन प्लैंक, मतलब वुडन प्लैंक के अंदर ट्रेवल करने में उसकी एनर्जी लॉस होगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाएगी, बुलेट की अगेंस्ट द वुडन प्लैंक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, क्या बोलता है, जितने भी तरह के फोर्सेज हैं उन सबकी वजह से जो वर्क होगा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें पहले केस की, केस वन की, तो कौन कौन सा वर्क हो रहा है यहाँ पे, mg का कोई रोल तो होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बुलेट ट्रेवल कर रही है, तो सिर्फ क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट वुडन प्लैंक। ऐसा लिख सकते हैं ना दोस्तों कि बुलेट ने वुडन प्लैंक के अगेंस्ट कितना वर्क किया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, बिल्कुल लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, यही तो होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप ही बताइए, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वर्क डन अगेंस्ट वुडन प्लैंक, WP वुडन प्लैंक लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ मास ऑफ बुलेट इंटू V2² - V1² ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आप बताओ कितना होगा, हाफ मास m, V2 कितना दिया है पहले वाले केस में, 125 कितना दिया है, 125, और इनिशियल स्पीड कितनी थी 150। तो ये क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, 125 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए दूसरे केस की बात करते हैं, जब वही बुलेट कितने स्पीड से स्ट्राइक होती है, जब बुलेट टू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बुलेट टू की। अगर बुलेट टू की हम बात करें तो बुलेट टू यहाँ पे किस स्पीड पे स्ट्राइक होती है, देखते हैं, स्पीड देख रखा है 90 मीटर पर सेकंड, कितना दिया है दोस्तों, 90 मीटर पर सेकंड दे दिया है, और इसकी ये फाइनल स्पीड V2 पूछा है दोस्तों। सेम बुलेट है, सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे भी, वर्क डन बाई अगेंस्ट वुडन प्लैंक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सेम बुलेट है तो मास सेम, V2 जो निकालना है, और V1 कितना है, 90 स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। इक्वेशन टू,
और ये इक्वेशन थ्री नाम दे दो। इक्वेशन टू और थ्री को अगर इक्वल कर दो, क्योंकि वर्कडन अगेन वुडन प्लैंक सेम होगा, वुडन प्लैंक तो वही है ना दोस्तों, तो जब इन दोनों को इक्वल कर दोगे इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री से, इक्वेशन टू एंड थ्री से आप क्या लिख सकोगे दोस्तों, हाफ एम 125 माइनस 150 का स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, और यहाँ से आप वी टू की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो क्या लिखने वाले होगे आप, वी टू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 375 इंटू 25, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8100। और यहाँ से जब V2 को कैलकुलेट करोगे तो V2 को जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आप यहाँ से V2 को लिखोगे तो ये इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से कितना आएगा 1275, और V2 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 35.70 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है 35.70, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।